गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग सुबह हो गई है। हम लोग निकलने वाले हैं अभी। आज का सीन कुछ ऐसा है कि प्लानिंग है, आज जितना हो सकेगा उतना चलेंगे। और माइट भी हो सके तो उदयपुर क्रॉस करूँगा। उदयपुर क्रॉस करने के बाद चित्तौड़गढ़ में शायद से रुकना हो, या देखेंगे उसके आगे भी जा पाए तो आगे भी जाएंगे। एक्चुअली मेरा गला बैठ गया है, यहाँ का पानी थोड़ा सा अलग था। और यार एसी चल रही थी, रात को मैं ध्यान नहीं दिया और सो गया तो पूरा काम खराब हो गया। चलो ठीक है, अभी मैं सीधा मिलता हूँ नीचे सेटअप पे। गाड़ी पे पूरा सेटअप करूँगा, आपको सब दिखाऊँगा। ठीक है, तो तब तक के मिलते हैं, चलो बाय बाय। तुम्हारा भाई जैकेट वैकेट में सेफ्टी पहले फर्स्ट। ठीक है, कैसा दिख रहा हूँ कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नीचे। चलो ये अपना बैग हो गया एक रेडी, ये अपना सेकंड बैग, ये अपना छोटू सी बेटी, क्या बोला तूने? छोटू सी बेटी, छोटू सी। ठीक है, वो अपना हेलमेट और बाकी का सब बिगड़ा हुआ। या पोपला, चलो चलो देखते हैं कहाँ से जाना है। पहले हम लोग हाईवे पहुँचते हैं, फिर चाय पानी करते हैं। हाँ तो भाई हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। देखो अभी अब हम लोग थोड़ा चाय वाय पियेंगे फिर निकलेंगे। अभी ये आई थिंक सो 60 हाईवे, मैं मैप में चेक करके आपको बताता हूँ ये कौन सा हाईवे है। हाँ मेरे साथ तकलीफ क्या हुई है, मैंने अभी देखो ये पूरा सेटअप बांध के रख रखा है। ये मेरा बैग है, इसके अंदर मेरा इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट है पूरा, इसके अंदर मेरे कपड़े हैं। ठीक है, और ये पीछे टॉप बॉक्स है जिसके अंदर चार्जर वगैरह छोटा मोटा सामान है। अब ये जो बांध के रख रखा है ना, तो मैं कल निकला था तो कल मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। आज तकलीफ़ ये हो रही है कि ये जो मैंने रस्सी बांधी है, यहाँ का स्क्रू जो है वो ढीला होके निकल गया है। अब ये ढीला होके निकल गया है, अब मुझे इसको टाइट कराना है, फिट करा लेना है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे चल सकते हैं। अदरवाइज़ ये कभी बीच में छोड़ दिया तो ये डायरेक्ट सीधा ऐसा ऊपर फेंक देगा, हो सकता है उसकी वजह से कुछ इंजरी वगैरह हो जाए। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप ध्यान दो। ठीक है, बाकी किसी चीज़ में तकलीफ़ नहीं आई। अगर ये फॉग लाइट है तो बहुत अच्छी काम कर रही है। ठीक है, और किसी चीज़ में भी कोई तकलीफ़ नहीं है अभी के लिए तो। हाँ मुझे खाली थोड़ी सी साफ़ सफ़ाई करनी है, वो अभी मैं कर लूँगा। जैसे कि पोपला को साफ़ करना है और हेलमेट का वाइज़र है वो नहीं साफ़ किया मैंने, तो वो भी साफ़ कर लूँगा। बाकी का तो सब बढ़िया चल रहा है। तो ये सुबह सुबह की चाय है जो आप अभी पी के निकलेंगे। थोड़ी देर में निकल जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि अभी छाँव जैसा माहौल है, कल के जैसी हालत ख़राब नहीं होगी। कल ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, और आज मैं वो नहीं चाहता हूँ। और उदयपुर भाई राजस्थान होके जाना है तो लग जाएगी, मेरे हिसाब से मेरी लग जाएगी। बट फिर भी ये जहाँ तक चलेंगे चलेंगे, नहीं तो फिर धीरे 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 जाना तो है। तो जैसा भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और सीधा मिलता हूँ अभी गाड़ी पे चाय वाय पी के। बहुत बाकी चाय बहुत अच्छी है यहाँ की भाई। रोड एकदम मक्खन की तरह है, एकदम बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, हाय हाय, अभी थोड़ी देर बाद में वो सब निकल जाएगा जब गरम गरम हवा मारेगा वो फेंक के। अभी ठंडी ठंडी लग रही है, थोड़ी देर बाद में एकदम गरम गरम लगेगी। वैसे मैंने किलोमीटर काउंट नहीं किया आज फिर से, वो तो मैं देख लूँगा कितना हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने जब निकले थे तब हमने
गाड़ी चेक की। मार रे साले का, खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले का। ये होते हैं कुछ ऐसे चूतिए जिनको गाड़ी चलाने का ढंग नहीं है। कितना बड़ा कट मार के गया हूँ मालूम है। बिना हॉर्न के, बिना किसी चीज़ के, पता नहीं उसको कहाँ जाना है। रमराज बुला रहे लग रहा उसको, ऐसा लग रहा था। मैं सोच के एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे लोगों के बारे में। जाने दो, कोई नहीं, अपने साथ में जैसा भी है सही है, ऊपर वाला है साथ में और क्या चाहिए। वो कहावत है, जागो राके साई हम मार सके ना कोई, पालना बाका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। तो भाई जिसके नसीब में है जैसा वैसा करेगा, वैसा भुगतेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे क्यों बता रहे हैं नेक्स्ट लेफ्ट भाई? तो ये देखो यहाँ का कुछ नज़ारा है। बगल में पूरी की पूरी नहर चल रही है, और नहर तो भाई मैं देख के, मतलब देखे हुए कितने ही जमाने गुजर गए, मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कभी कभी। हालांकि मेरे गांव पे भी एक नहर है, इतनी बड़ी नहीं है, बट यार उसमें एक टाइम था हम लोग नहाते थे, कूद जाओ जब मन में आता था, चलो जाएंगे नहर में नहाएंगे, और एंजॉय करता था यार बेसिकली, मतलब मज़ा आता था। देखे ऐसा ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं यहाँ पे, तो देख दाख के चलना पड़ता है। वाह क्या घर बना के रख रखा है यहाँ पे, देखो। अच्छा मुझे ये नहर ही पकड़ के जानी है क्या? फक ऑफ भाई साहब। ओहो क्या लहरें उठ रही है भाई इसके अंदर। मन तो कर रहा है यहाँ पे 2-5 मिनट गया हॉल्ट मार दूँ, बट रुक भी नहीं सकता यार, जल्दी जाना भी है, पहुंचना भी है। हाय हाय, मुझे नहीं लगता कि ये रूट से पहले कोई कहीं गया है। लाइक जो लोग दिल्ली के लिए ट्रैवल करते हैं वो लोग अहमदाबाद होके निकलते होंगे, अहमदाबाद अजमेर होके। मैं मथुरा जा रहा हूँ, तो ये बेसिकली मेरे लिए नया, मतलब मेरे लिए क्या, अब जो इसके पहले गए होंगे उनका पता नहीं, बड़े रूट नया ही है। ठीक है भाई, ये रूट से मैं बोलना चाहूँगा, अगर जिस किसी को भी मथुरा साइड ट्रैवल करना है या लाइक दिल्ली साइड भी ट्रैवल करना है ना, आगरा, ये रूट से एक बार ट्राई करो। अब ये है एक्चुअल में जन्नत, इसको बोलते हैं घूमो, यहाँ पे आओ एक्सप्लोर करो। बताओ यहाँ पे कितना अच्छा फोटोशूट कर सकते हैं लोग। नेशनल हाईवे 148 पे चल रहे, वो जो रास्ता था वो शॉर्टकट था जो आप लोगों ने देखा अभी रिवर वगैरह का। अराउंड मैंने वहाँ पे कुछ 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर रनिंग किया। वहाँ से रनिंग करने के बाद में अभी ये 148 नेशनल हाईवे चल रहा है, तो यहाँ पे ये कोई बाजार है, यहाँ पे हम लोग गाड़ी का भी काम कराना है, वो भी देख लेते हैं हो जाएगा तो। अभी के लिए तो चलते रहो बस, जहाँ पे भी कोई गैरेज दिखा, मॉर्निंग का टाइम है तो पहले वो काम कर देंगे हम लोग।
बैरियर माइट भी होगा यहाँ पे, होना ही चाहिए, मार्केट है तो। ओके हाँ हाँ हाँ, सामने है पोहा, ये देख के तो और दिल खुश हो गया। पोहा भी खाएंगे और गैरेज पे काम भी कराएंगे। रॉन्ग साइड में चला गया यार मैं भी, क्या ही बोलूँ भाई, ये हो क्या रहा है यार समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ब्लूटूथ की बैटरी हो गई लो और मैं एक चार्जर भूल के आ गया घर पे, मतलब केबल है उसका अडाप्टर नहीं है, जिसकी वजह से मैं हेलमेट चार्ज नहीं कर पाया। अब हो रही है मुझे तकलीफ़, बार बार रुकना पड़ रहा है, बार बार निकाल के देखना पड़ रहा है, हैंडल पे लगा नहीं सकता क्योंकि ये कब निकल के गिर जाए भाई कोई भरोसा नहीं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अच्छा वो ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा था, ज़्यादा दूर पहुँचा तो तकलीफ हो जाती थी मेरे लिए। देखा देखा क्या किया उसने, देखा आप लोगों ने, ये होते हैं कचरा फैलाने वाले लोग, ठीक है। पब्लिक बोलती है ना कि रोड पे कचरा कौन डालता है, तो ये होते हैं, ये खा के इतना मैनर्स नहीं है कि थोड़ा साइड में गाड़ी रुका के कहीं कचरे का डब्बा ढूंढ के वहाँ डाल दूँ, नहीं ऊपर से प्लास्टिक फेंक रहे वो, समझ रहे हो, ये बड़े लोगों की मैनर्स होती है। इते 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 बग हाय बोल, ऐसा हाथ दाखू ना है। नाव काय तुझा? अंजली। काय? अंजली। पूर्ण नाव सांग। लामा बोल डाले। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं जूस पीने के लिए, गन्ने का जूस पीने रुका, तो मुझे नहीं पता था कि भाई महाराष्ट्र से, और उनसे बात हुई, उन्होंने मेरा गाड़ी नंबर देखे तो मुझसे पूछे कि आप कहाँ से हो, मैंने उनसे बात किया, बताया उनको मुंबई से हूँ, तो वो भी बोले कि वो भी कहाँ से है वो खुद ही बताएंगे, मैं उनसे बात करता हूँ, बताता हूँ। बाय, क्या नाम है आपका? मेरा भाई रामू। और कहाँ से हो आप? मैं अकोला। अकोला से भाई? अभी सेरा में धंधा करता हूँ। सेरा में धंधा करते हैं, गन्ने का जूस का धंधा है भाई इनका, और ये बहुत अच्छा जूस पिलाते हैं और अच्छा खासा कमाते भी है। हाँ। चार छः महीने काम करते हैं यहाँ पे और फिर उसके बाद में सीधा अपने गांव जाते हैं। और भाई ऐसे ही पहले तो मुझे लगता था कि महाराष्ट्रन खाली लाइक मंदिर वगैरह वहाँ पे ही ज़्यादा करके मिलते हैं, बट यहाँ पे भी लोग हैं जो ऐसे मिलते हैं भाई, महाराष्ट्र के हर जगह पे लोग हैं और काम धंधा करके कमाते हैं, ऐसे खाली फुकट में नहीं खाते। सही बात है, अपनी फैमिली के साथ आते हैं और अपने लड़के भिड़कों को भी खिला देते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, मगर सिर्फ लगता है लोगों को कि महाराष्ट्र के लोग ऐसे ही खाते हैं, नहीं खाते, कमा के खाते हैं, ये है मराठा और ये महाराष्ट्र। क्यों हिला डाला ना? सही बात है। तो भाई सपोर्ट करो महाराष्ट्र को, और ऐसे ही भाई मैं तो बोलता हूँ काम करो, काम धंधा करो। और देखो ये भाई ने कैसा मशीन डाला हुआ है, ये देखो ये गन्ने के जूस की मशीन है, इस पे गन्ने का जूस निकाल दो भाई, कुछ मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए बोलते हैं काम करते रहो, मेहनत करते रहो। चलो तो गाइस निकलते, भाई से मिल लिए, अच्छा लगा मिल के यार, सुकून मिल गया। चला दादा बाय बाय। फो मज़ा आ गया भाई, महाराष्ट्र के पब्लिक बोले तो सुकून। सोचा था जूस पी के निकल ही जाऊँगा, उनके चक्कर में बात करते 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 ये होता है यार एक अपनापन, भाई पैसे लेने को तैयार नहीं, मैं बोला नहीं धंधे में दोस्ती यारी नहीं करने का, ये महाराष्ट्र का उसूल है।
बोले नाही आता तुम्ही इथून लांबून म्हणजे एवढा लांबून आले तुम्ही इथं रहता दूर से आए हो तुम यार पाई पी के जाओ अब पैसा देने की क्या ज़रूरत है। मगर यार वो इतना धूप में धंधा कर रहे हैं दो पैसे के लिए कर रहे मज़ा आ गया भाई बात करके भाई से। ओ चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है वो मेरी माता ने बुलाया है मतलब मेरी माँ ने बुलाया है सीधे चलो। चलो गाइस एक बैटरी मेरी लो हो चुकी है और क्या बोला तूने और अभी तक 11 आई थिंक सो बजे होंगे या 10:30-11 आइडिया नहीं है बट अब हम लोग सीधा ढाबे पे मिलेंगे खाना खाने के टाइम पे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये फिर से लो हो जाए और कल के जैसा मेरे साथ में प्रॉब्लम आ जाए ठीक है। और ये देखो भाई ये सबसे अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ ये देखो आगे ये गाड़ी चल रही है इस पर एक नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है आर्मी नंबर नहीं है खाली आर्मी लिखा हुआ है और ये कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि आप अपनी नंबर प्लेट खाली आप अपने काम की वजह से चला सकते हो गाड़ियाँ पे नंबर प्लेट नहीं होगी चलेगा किस गवर्नमेंट जॉब करते हैं कौन सी जगह पे या अरे कहना क्या चाहते हो मतलब सॉरी कौन से डिपार्टमेंट में वो लिख दीजिए बस हो गया ये क्या बात हो गई यार। यही नहीं अभी और सुनिए प्रेस वाले भी गाड़ी नंबर के ऊपर लगाते हैं प्रेस ताकि उनको पहचाना जा सके पता चल सके कि कैसे लाइक वो क्या काम करते हैं डॉक्टर भी लॉयर भी सब उसी तरीके से लगाते हैं तो फिर ये कौन सा कानून इवन पुलिस वाले भी वही से लिखते हैं बट यहाँ का कैसा चल रहा है यार कि आर्मी लिख दिया और काम ख़त्म बढ़िया है नंबर प्लेट की ज़रूरत ही नहीं है फाइन मारना है आर्मी को फाइन मार दो है यहाँ पे मंदिर है पता नहीं कौन सा मंदिर है बट नदी बहुत अच्छी है यार पूरा अभी पानी थोड़ा कम है गर्मी का टाइम चल रहा है इसलिए अभी मैं बीच बीच में है स्टॉप इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि गर्मी है ठीक है और धूप इतनी पड़ रही है ना वो मुझे भी पता है वो पोपला भी जानता है कि धूप कितनी है क्योंकि यार उसके तो टायर जल रहे होंगे चलते चलते तो मैं नहीं चाहता पोपला को कोई तकलीफ़ आ जाए तो इसके लिए थोड़ा रेस्ट फिर चलो फिर रेस्ट फिर चलो अभी ये 50 की स्पीड से चल रहा हूँ वहाँ से आया हूँ जो मैं वो बहुत थोड़ा 60-65 ऐसे आया था ये 50 की स्पीड से चल रहा हो तो इसको भी कुछ तकलीफ नहीं हो ख्याल रखो पोपला मेरा ख्याल रख रहा है मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ ऐसे ही चले चले जाएंगे दोनों भाई। ये 201 किलोमीटर है भाई माय गॉड मतलब अभी तक मैं कुछ अचीव ही नहीं कर पाया हाय 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 ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी भूत 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 हमारे गांव में ऐसा कुछ जब हवा घूमती है ना तो उसको बोलते भूत 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 एक्चुअली भूत नहीं होता ये एक हवा की वजह से एक बवंडर जैसा रेडी होता है। चलो पेट्रोल भरा के निकलते उदयपुर 154 किलोमीटर
चलो आ रहा हूँ मैं उदयपुर आ रहा। एक टोल चल रहा है, इधर पहाड़ इधर पहाड़, बीच में हाईवे। ये राजस्थान, राजस्थान पहुंच गए हम। यहाँ से स्टार्ट होता है राजस्थान। जो नहीं मरता रहेगा ना, मर साले बोले सामने से आके मार देंगे, चाहे बेचारा अपने सही रास्ते जा रहा हो। उसकी तो गांठ पड़ गई, धुआं निकलने लगा। देखो ये देखो कैसे चल रहे हैं।